हे गाइस, पटना यूनिवर्सिटी में पार्ट वन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करवाया है, जाकर करवा लेना, क्योंकि आपको पता होगा मैंने आज से ठीक 15 दिन पहले एक बनाई थी वीडियो जिसमें बताया था पटना यूनिवर्सिटी में मतलब कि पार्ट वन का एग्ज़ाम कब होता है, उसका रजिस्ट्रेशन कब होता है, आप किस तरह कर सकते हो। मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दी थी। अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो आप जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ताकि आप वहाँ से देख लेना पटना यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम कब से होता है। और आज मैं तुम्हें बताना आपको कि फ़िलहाल कि पटना यूनिवर्सिटी में पार्ट वन का जो है रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम से पहले जो होती है वो शुरू हो चुकी है। अगर आप लोग बाहर है कहीं पर या फिर कहीं पर मतलब कॉलेज में है पता नहीं है, तो बताना कि आप जाकर करवा लीजिए। अगर आप लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं कुछ दिनों से, जाकर करवा लीजिए, नोटिस आ चुका है। मैं चाहता हूँ आपको बताना, यहाँ पर देख लीजिए, लेकिन उससे पहले चाहता हूँ बताना कि आप मतलब पार्ट वन का रजिस्ट्रेशन क्यों होता है और सबका क्यों नहीं होता है। देख लीजिए, कारण यहाँ पर यह है कि पार्ट वन में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको एक नंबर मिल जाता है, ठीक है। वो नंबर जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नंबर आपको पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री का भी हो जा मतलब हमेशा के लिए रह जाता है। इसीलिए पार्ट वन में ही आपको एक पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ देखिए, पेपर में न्यूज आ चुका है कि पटना विश्वविद्यालय में स्नातक में रजिस्ट्रेशन 26 अगस्त से प्रारंभ होकर 4 सितंबर तक होगा। सभी छात्रों को समय पर रजिस्ट्रेशन करा लेना है। बिना इसके छात्र विश्वविद्यालय और कॉलेज के मान्य छात्र नहीं होंगे। इसके लिए सभी जरूरी कागजात कॉलेज कार्यालय में को जमा करना है। लेट होने की स्थिति में ₹1,000 लेट फाइन आपको लगेगा, ठीक है। तो जाकर दोस्तों आप करवा लो, अगर बाहर आप निकले हुए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जाकर दोस्तों करवा लीजिए। उसके बाद यहाँ तो लिखा गया है कि सभी जरूरी कागजात, ये क्या है सुन लीजिए, यहाँ पर जो है सो आपको जब एडमिशन अगर करवाए होंगे तो आपको एक मिली होगी स्लिप एडमिशन की, वो वाली स्लिप आप लेके जानी पड़ेगी। अगर आपका आई कार्ड मिला है अभी तो कॉलेज का, तो वो वाला आपको लेकर जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको है हो सके तो 12th का आपको मार्कशीट भी मांगा जाएगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट और साथ ही साथ अपना एक फ़ोटो भी आप लोग ले लेना, फोटो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोटो ले लेना। और साथ ही साथ अपना प्रोस्पेक्टस में सब कुछ देख लेना, एडमिशन स्लिप ले लेना और मार्कशीट का फोटो कॉपी ले लेना, आधार कार्ड अपने पास रख लेना, ये सब लेकर आप जाना, आप जाकर स्नातक एडमिशन करवा लेना। 26 अगस्त लिखा गया है, और लेकिन कुछ कुछ कॉलेज में हो भी चुका है, तो अब कुछ कॉलेज में बाकी भी है। तो जाकर दोस्तों 26 अगस्त लेकर 4 सितंबर तक डेट है, करवा लो। इसमें आप ढिलाई मत करो, क्योंकि एग्जाम भी बहुत जल्द फिर से पार्ट वन का होना शुरू हो जाएगा फरवरी मार्च से। अगर आप चाहते हो देखना कि एग्जाम कब से शुरू होती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, जाके आप वहाँ से तो देख लो। बस आज की वीडियो में बस इतना ही पटना सिटी के बारे में। और कुछ न्यूज़ अगर आती है या फिर आपके पास कोई और टॉपिक आप चाहते हैं इसके ऊपर बनाना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ला के दे दूँगा। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।